हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे रैंडी ऑर्टन के बारे में ऐसे 10 सवाल पूछूंगा जिसके जवाब वही दे पाएंगे जिन्हें WWE की बहुत नॉलेज है। और आपको जवाब देने में मदद करने के लिए मैं 4 ऑप्शन दूंगा और हर सवाल के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा आंसर सोचने के लिए। वैसे आप वीडियो पॉज करके भी जवाब सोच सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1, रैंडी ऑर्टन पहली बार वर्ल्ड चैंपियन किस सुपरस्टार को हराकर बने थे? ए ट्रिपल एच, बी बटिस्टा, सी जॉन सीना या फिर डी क्रिस बेनोइट। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन ने समरस्लैम 2004 में क्रिस बेनोइट को हराकर पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जीता था और वो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन भी बने थे। इसलिए इस सवाल का जवाब है डी क्रिस बेनोइट। नंबर 2, रैंडी ऑर्टन इन 4 ऑप्शन में से कौन से टीम में नहीं थे? ए रेटेड आरकेओ, बी लेगेसी, सी नेक्सस या फिर डी इवोल्यूशन। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन लेगेसी, रेटेड आरकेओ और इवोल्यूशन में रह चुके हैं। वो सिर्फ इन 4 में से नेक्सस ग्रुप में नहीं थे। इसलिए इस सवाल का जवाब है सी नेक्सस। नंबर 3, रैंडी ऑर्टन ने कितनी बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में फाइट किया है? ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार या फिर डी 4 बार। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन ने रेसलमेनिया 25 और रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट्स में फाइट किया है, यानी कि ऑर्टन 2 रेसलमेनिया के मेन इवेंट्स में रह चुके हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है बी 2 बार। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कौन से साल में जीता था? ए 2011, बी 2014, सी 2013 या फिर डी 2015। तो दोस्तों, ऑर्टन ने मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट साल 2013 में जीता था, जो उन्होंने डैनियल ब्रायन पे कैश इन करके WWE वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल भी जीत लिया था। इसलिए इस सवाल का जवाब है सी 2013। नंबर 5, रैंडी ऑर्टन टोटल कितनी बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं? ए 14 बार, बी 13 बार, सी 11 बार या फिर डी 10 बार। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन 9 बार WWE चैंपियन बन चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने 4 बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी जीती है, यानी कि टोटल वो अभी तक 13 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। इसलिए इस सवाल का जवाब है बी 13। नंबर 6, रैंडी ऑर्टन ने पहली बार रॉयल रंबल कौन से साल में जीता था? ए 2009, बी 2010, सी 2011 या फिर डी 2014। तो दोस्तों, रैंडी ऑर्टन ने 2 बार रॉयल रंबल जीता है, पहली बार साल 2009 में और उसके बाद साल 2017 में। और क्योंकि मैंने इस सवाल में आपसे पूछा था कि ऑर्टन ने पहली बार रॉयल रंबल कब जीता, इसलिए इस सवाल का जवाब है ए 2009। नंबर 7, रैंडी ऑर्टन इन 4 सुपरस्टार में से किसके साथ टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं? ए जॉन सीना, बी ट्रिपल एच, सी बटिस्टा या फिर डी एच। तो दोस्तों, साल 2006 में रैंडी ऑर्टन ने एच के साथ टीम अप कर लिया था और वो एच के साथ एक बार टैग टीम चैंपियन भी बने। इसका मतलब इस सवाल का जवाब है डी एच। नंबर 8, रैंडी ऑर्टन ने इन 4 सुपरस्टार में से किसको अभी तक नहीं हराया है? ए ब्रॉक लेसनर, बी जॉन सीना, सी ट्रिपल एच या फिर डी जेफ हार्डी। तो दोस्तों, इन 4 में से रैंडी ऑर्टन ने सिर्फ ब्रॉक लेसनर को आज तक नहीं हराया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, ऑर्टन कभी ब्रॉक लेसनर को हरा पाएंगे या नहीं? और इस सवाल का जवाब है ए ब्रॉक लेसनर। नंबर 9, रैंडी ऑर्टन ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन से साल में बने थे? ए 2015, बी 2018, सी 2016 या फिर डी 2010। तो दोस्तों, साल 2018 में रैंडी ऑर्टन यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल पहली बार जीतकर ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने थे। इसलिए इस सवाल का जवाब है पी 2018। नंबर 10, रैंडी ऑर्टन का असली नाम क्या है? ए रैंडल की ऑर्टन, बी बॉब ऑर्टन, सी बॉब जूनियर ऑर्टन या फिर डी बैरी ऑर्टन। तो दोस्तों, अगर आप रैंडी ऑर्टन के फैन हो तो आपको पता ही होगा कि उनका असली नाम है रैंडल की टॉटन और इसलिए उनके फिनिशिंग मूव का नाम है आरकेओ। और इस सवाल का जवाब है ए रैंडल की टॉटन। दोस्तों, अब मैं आपसे रैंडी ऑर्टन के बारे में एक और सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मैं आपको अपनी अगली क्विज की वीडियो में बताऊंगा। रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर का मैच कौन से रेसलमेनिया में हुआ था? ए रेसलमेनिया 19, बी रेसलमेनिया 20, सी रेसलमेनिया 21 या फिर डी रेसलमेनिया 23।
दोस्तों मैंने आपसे ब्रॉक लेसनर की क्विज वीडियो में भी दो सवाल पूछे थे जिसके जवाब मैं आपको अभी बता देता हूँ। ब्रॉक लेसनर की वाइफ का नाम है सेबल और ब्रॉक लेसनर WWE में एक बार भी टैग टीम चैंपियन नहीं बने हैं। तो दोस्तों अब आप भी कमेंट्स बताइए कि आपके कितने सवाल के जवाब सही हुए और साथ में ये भी बताएं कि अगली क्विज वीडियो आप कौन से सुपरस्टार की देखना पसंद करोगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।